नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। कभी कभी हम अन्यों की थाली में रखा खाना देखने के चक्कर में अपनी थाली में रखा स्वादिष्ट खाने को भी पशुओं के मुंह का निवाला बना देते हैं। यह बात हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि उदयपुर नगर निगम के जिम्मेदार सदैव शहर में कहां अतिक्रमण किसके द्वारा किया जा रहा है, कहां भवन निर्माण किया जा रहा है, कहां जर्जर हालत में मकान है, इस बात की पुख्ता जानकारी रखने के साथ ही उसे नियमानुसार नोटिस देकर कार्रवाई करने का काम करता नजर आता रहता है। लेकिन ऐसे में कई बार वह स्वयं इस बात से अनभिज्ञ हो जाता है कि सबका ध्यान रखते रखते वह अपने ही विभागीय बिल्डिंग का ध्यान रखना भूल गया है। यह निगम का पिछवाड़ा है जो कहीं ना कहीं विभाग के जिम्मेदारों की अनदेखी की मार झेल रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित निगम की इमारत जर्जर हालत में होने के साथ ही करीब 1.5 इंच अपनी जगह भी छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से जर्जर होती इमारत में कई जगह पर बड़ी बड़ी दर्जे आ चुकी है। वहीं संबंधित इमारत की दीवार पर कई पीपल के पेड़ उगने के साथ बड़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इमारत पर बने जरोखे पर लगे बारिश का पानी रोकने के लिए जो छज्जे हैं उन पर भी झाड़ियाँ उग चुकी है। लंबे समय से रंग रोगन न होने के चलते शहर की स्मार्ट सिटी की वास्तविक तस्वीर भी यहीं से ली जा सकती है। संबंधित विभाग के जिम्मेदारों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कोई न कोई बड़ा हादसा, क्योंकि संबंधित पूरी निगम की बिल्डिंग पीछे की तरफ से जर्जर हालत में हो चुकी है। कई जगह पर झाड़ियाँ उग चुकी है और कई जगह पर बड़ी बड़ी दर्जे हो चुकी है। साथ ही इस दृश्य को देखकर आप यह भी विचार कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी के रिसने से दीवारें कमज़ोर भी हो चुकी है। निगम की बिल्डिंग के पिछवाड़े के हिस्से में होती जर्जर हालत को देखकर संबंधित विभाग के जिम्मेदारों ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि आने वाले समय में कोई हिस्सा धराशायी हो और राह चलता कोई राहगीर घायल ना हो जाए, इस बात से बचने के लिए संबंधित बिल्डिंग के कुछ दूरी पर एक अस्थायी दीवार भी बना दी है, जिससे कोई भी राहगीर संबंधित जर्जर हालत की बिल्डिंग से पास होकर ना गुजरे और कोई हादसा नहीं घटित हो, जिससे निगम के जिम्मेदारों की गलती की वजह से कोई मुआवजा देना पड़ जाए। अस्थायी दीवार बनने की वजह से कोई राहगीर पास से गुजरेगा नहीं और जर्जर हालत बिल्डिंग से कुछ भी छज्जा वगैरह गिरने से कोई घायल नहीं होगा, और जब घायल नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। विभागीय जिम्मेदारों के स्वयं को बचाने के लिए जो दीवार बनाई गई है, हालांकि अभी मैं निगम के खाली पड़े परिसर में 2 मेले लगे हुए हैं, जिन दोनों ही मेले के दुकानदारों ने इस अस्थायी दीवार के मध्य पड़ी खाली जगह को अपना कचरा पात्र बना लिया है और अनाप शनाप कचरा डालकर यहां पर गंदगी फैलाने का काम कर दिया है। जिलों की नगरी के नाम से जाने वाले उदयपुर शहर को विश्व पर्यटन और स्मार्ट सिटी में उच्च दर्जा दिलाने के दावे करने वाले उन जिम्मेदारों के दावे कितने खोखले नज़र आ रहे हैं, जो निगम के अलग अलग कक्षों में बैठ कर शहर के विकास के दावे करते हैं, लेकिन वे स्वयं जहां बैठकर उदयपुर के सर्वांगीण विकास के साथ ही सौंदर्यता को बढ़ाने का काम करने के विचार बनाते हैं, वे जहां बैठते हैं वहां के स्वयं की हालत आप देखेंगे तो कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। हालांकि आने वाले समय में होते हादसे से कहीं इन्हीं को किसी प्रकार का कोई मुआवजा सरकार से ना लेना पड़ जाए, इसलिए समय रहते इस पर उचित कार्रवाई करते हुए इस जर्जर हालत इमारत को एक बार रिनोवेट अवश्य करवा लेना चाहिए। ऐसा है कि आज बात ये हो गई कि कक्ष में बैठकर जब पेन चलाए जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों की, निगम की, पार्षदों की, साथियों की, जनता की जो परेशानियाँ हैं उनका आभास इनको हो ही नहीं रहा है। ये सब कक्ष में बैठ कर जो आदेशानुसार किसी एक तानाशाह नेता के आदेशानुसार जो नोटिस सस्पेक्ट किए जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी मरम्मत के नाम पर, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, मैं महापौर जी से सवाल करना चाहूँगा, मैं बोर्ड से सवाल करूँगा और जो इनके साथी संबंधी अधिकारी हैं उन सभी से मैं सवाल करना चाहूँगा कि निगम के प्रांगण में, निगम के क्षेत्र में जो निगम की इमारत है जिस तरह से जर्जर अवस्था में है, ये क्या शोभा देती है, जहाँ G20 के नाम पर पूरी सेज सज्जा हुई है, 30 लाख का सिर्फ पेंटिंग का जो पर टेंडर हुआ है, 30 लाख सिर्फ पेंटिंग का टेंडर हुआ, वहाँ अगर निगम के प्रांगण में
ये हालात हैं, ये बर्बरता है, निगम के उद्यान ले लो, निगम की सड़कें ले लो, निगम के प्रांगण के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कौन नोटिस चस्पा करेगा, यहाँ पर कौन कार्रवाई करेगा, कब नींद से जागेंगे, कब लापरवाही को तोड़ेंगे, और निगम का ये पीछे का क्षेत्र पूर्णतः स्पष्ट रूप से लापरवाही दर्शा रहा है कि किस लापरवाही और किस नज़रअंदाजी के साथ ये निगम और ये बोर्ड, ये सारे अधिकारी सो रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि लापरवाही को जनता देख रही है, तानाशाही को जनता देख रही है, और जो वादे कर आज वादे तोड़ कर जनता के साथ, निगम के साथ, उस पूरे शहर के साथ जो धोखा और पाप निगम का बोर्ड कर रहा है, इसे जनता देख रही है, जनता भूली। आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे अपार कचरा पड़ा हुआ है, ये यहीं पे पीछे नहीं, अपार कचरा क्या पड़ा हुआ है, आप एक काम कीजिए, यू टर्न हो जाइए, यू टर्न होकर मेरे पीछे कचरा पड़ा हुआ है, मेरे ऊपर जो इमारत है वो जर्जर अवस्था में है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर अभी तक रोड नहीं बनी है, सीमेंट की टाइल्स तक नहीं लगी हैं, अभी जहाँ पर किराया क्षेत्र दे रखा है यहाँ पर बाहर किस तरह से गंदगी फैली हुई है, जो श्वान वगैरह घूम रहे हैं, उन श्वान जो सुबह अगर आप देखेंगे तो हर, मैं तो हर विभाग की बात कर रहा हूँ, रात को अगर आप निगम के क्षेत्र में भी आएंगे तो जहाँ तक मेरा मानना है कि निगम जगमग होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम पूरे शहर को जगमग करने की बात करते हैं तो निगम खुद ही अंधेरे में अगर रह रहा है, तो हर चीज़ है, गंदगी हो, इमारत हो, टाइल्स हो, रोड हो, उद्यान हो, निगम का प्रांगण का कौन सा क्षेत्र ऐसा है, कौन सा एरिया ऐसा है जो आज निगम की सौंदर्यता की, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना और परिकाष्ठा का स्वरूप बन के खड़ा है।